बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नईम सिद्दीकी और आप देख रहे प्रोग्राम लाइव विद नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी अमेरिका के साथ बात हो रही है, एफटीए की बड़ी खुशाइन बात है कि अगर अमेरिका के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो ये वो एग्रीमेंट होगा जिसमें पाकिस्तान को बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर हमें उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इस वक्त के जो एफटीए हमारे हैं उसमें सिचुएशन ये है कि हम ज़्यादातर माल इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी तरह हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये बात होती है, एफटीए होता है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी मुल्क की जो माशी हालत है और इंडस्ट्री की भी हालत जो है वो भी बेहतर होगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम दो मौजूदात पर बात करेंगे। एक तो फार्मा इंडस्ट्री पर बात करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री आजकल किन हालात का शिकार है। इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में फार्मा इंडस्ट्री नज़र आ रही है। आप देखें कि पाकिस्तान में हमेशा ये बात होती है कि जी 5 जो ज़ीरो रेटेड सेक्टर है वही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दुनिया की $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो इंडस्ट्री है वो फार्मा इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है पाकिस्तान की आफ्टर टेक्सटाइल, अगर इस पे मेहनत की जाए, गवर्नमेंट इसको पैटर्नाइज करे। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी ये है कि डी रैप का जो सरबराह है उसके पास भी PhD की जाली डिग्री लेके फिर रहा है, और वो नैब के आगे अपने आप को मुर्दा जाहिर करके नैब की तहकीकात से भी बच गया, और ये बात हम समझते हैं कि इतनी अफसोसनाक है, और हम समझें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और इतनी अहम इंडस्ट्री के सरबराह की तकरारी और इस किस्म के वाक़ात के जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जब नैब की इंक्वायरी हुई तो उन्होंने एक डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जिसकी बिना पे उनका नैब के ख़िलाफ़ उनकी जो तहकीकात है वो ना हो सकी। तो ये इतनी नाजुक सेंसिटिव इंडस्ट्री के साथ अगर ये हो रहा है तो बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या होगा, और ख़ासतौर पर जब PTA की गवर्नमेंट है तो PTA के मिनिस्टर की मंशा और मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकते। तो हम समझते हैं कि चूँकि इस वक्त वादा किया गया है कि मदीना की रियासत वाला कानून होगा और यहाँ पे शफाफियत बरती जाएगी, तो अगर ये शफाफियत बरतनी है तो सबसे पहले जो ये अपॉइंटमेंट, इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट है उस पे प्राइम मिनिस्टर को गौर करना चाहिए और ऐसे बंदों को आगे लेके आना चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री की बका के लिए, इसकी बेहतरी के लिए काम करें। इसके अलावा ये भी आया है कि बाहर के मुल्कों में जाके लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है उसको नुकसान पहुँचा है, जबकि पाकिस्तान में जो 650 से 750 इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं ख़ास तौर पे, वो इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क की ग्रोथ के लिए, इस मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए, इस मुल्क में सेहत के लिए सस्ती दवाई जो है देने के लिए उनका बहुत बड़ा किरदार है। हम आज सेक्शन SRO 471 की भी बात करेंगे जिसमें कहा गया था कि जो मकामी कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल या ब्रांड लीडर की सीलिंग प्राइस से ऊपर नहीं बेचेंगी। देखो बाद में एक जो प्राइस रिव्यू कमेटी बन गई जो कि बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है कि जो अपनी मर्ज़ी से मकामी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस देती हैं जो कि मल्टीनेशनल की प्राइस से बहुत कम है, और जबकि पाकिस्तान में जो भी आपको दवाई बनाने की इजाज़त दी जाती है वो बाई वे ऑफ फार्मूलेशन दी जाती है। जब बाई वे ऑफ फार्मूलेशन दी जाती है तो मल्टीनेशनल की और लोकल कंपनी की जो फार्मूलेशन है वो बराबर की होती है, तो जब भी बराबर की है तो प्राइसेस में इतना फ़र्क क्यों है। तो ये बात आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अंसर फारूक साहब, जो चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन नॉर्थ के, उसके अलावा वो कंट्री हेड हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के। तो हम उनसे पूछेंगे कि जनाब ये जो मामलात हो रहे हैं इसमें फार्मा इंडस्ट्री में, तो इस किस्म की जिस वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप बीइंग ए चेयरमैन किन किस्म के इकदाम गवर्नमेंट को तजवीज़ करेंगे जिससे ये इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जाए और मकामी सनत को फ़ायदा हो। वेलकम टू द शो चौधरी चेयरमैन साहब। जी बहुत शुक्रिया नईम भाई सर, आपने माशाल्लाह काफ़ी इस पर आपकी वर्किंग है मैं समझता हूँ, और जो आपने इसकी शुरू में जो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में जो भी दी हैं जी जी, उसमें कुछ चीज़ों में आप काफ़ी हद तक जो है आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है जी जी, और कुछ में इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको इसीलिए बुलाया, आप ये बताएं आप चेयरमैन होने की हैसियत से लोकल इंडस्ट्री को मल्टीनेशनल के मुकाबले में जो गवर्नमेंट ने सप्रेस किया हुआ है उनको प्राइस वो मिलती नहीं है, जबकि यूनिट उनके ज़्यादा बिकते हैं, सेल उनकी ज़्यादा होती है,
मल्टीनेशनल की यूनिट भी कम बिकती है, सेल भी उनकी कम होती है, लेकिन उनकी और इनकी प्राइसेस में इतना क्यों फ़र्क है? पहली बात तो यह है कि पिछले 10 से 15 साल में जी हमारी जो नेशनल कंपनीज हैं इन्होंने बड़ा ग्रो किया है जी। और अभी जो आप फरमा रहे हैं कि इसकी, क्योंकि जो अगर क्वांटिटेटिवली देख लें तो हमारी यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ तक प्राइस का इशू है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म किया गया 471 पिछली दो गवर्नमेंटों ने कि इस पे कोई काम नहीं किया जी। और मैं ये समझता हूँ कि जब पिछला दौर गुजरा है नून की गवर्नमेंट में जी, उसमें तो बिल्कुल इस सेगमेंट को या इस सेक्टर को इग्नोर किया गया, ठीक है, जिसका नुकसान ये हुआ है कि हम बजाय ये कि हमारा बहुत तेजी से हम जो ना ऊपर हमारी फार्मा इंडस्ट्री जा रही थी एक्सपोर्ट में जी, तो हमारी एक्सपोर्ट बजाय ऊपर जाने के नीचे आ गई, क्योंकि पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट इन्होंने कर दी। और फिर जो यहाँ पे सीईओ पिछले दौर में थे डॉक्टर असलम अफगानी, मैं नाम लूंगा जी जी, फिर वहाँ पे नून की जो गवर्नमेंट है जी जी, उन्होंने हमारी नेशनल इंडस्ट्री को इतना उन्होंने उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ कर दी, या कह लें इतना ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारी जो एक्सपोर्ट में हम लोग जा रहे थे ऊपर, उसमें हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई। तो अब जो बात आप कर रहे हैं प्राइस के हवाले से, प्राइस देखें, प्राइस एक बहुत बड़ा इशू था इस इंडस्ट्री का, आज भी है। उसकी रीज़न यह है कि पिछले 20 सालों में कोई प्राइस किसी को गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, जबकि 20 सालों में आप ये देखें कि डॉलर की कीमत किधर चली गई है, हमारी यूटिलिटी जो है गैस बिजली पानी, फिर हमारे पास जो एम्प्लॉज हैं उनकी सैलरीज आज से 20 साल पहले क्या थी आज क्या है, और हर साल हमें उनमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है। फिर हमारी क्योंकि जो अद्वियात हैं ये बहुत कंट्रोल टम्परेचर में ट्रांसपोर्ट होती हैं, फिर वो जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लॉजिस्टिक्स हमारे, उनकी प्राइसेस किधर चली गई हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने, जब से ये पीटीए की गवर्नमेंट आई है, मैं ये समझता हूँ कि जब से मेरा ये टर्नओवर अक्टूबर से बीएंगे चेयरमैन पीपीएम में हमारा मेरा टर्नओवर शुरू हुआ है, और साथ ही हमारी गवर्नमेंट भी नई आ गई है जी। तो मेरा क्योंकि पीटीआई से भी तल्लक है, मैं एक वर्कर हूँ पीटीआई का, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने इसमें और हमारी जो टीम है, हमारे जायद सईद भी हमारे चेयरमैन है सेंटर के, उन्होंने हमने मिल के तो पिछले 4 महीने में हमने इंडस्ट्री के लिए वो काम किए हैं जो पिछले 10-15 साल में नहीं हो सके। मिसाल के तौर पे अभी हमने ये किया है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट डेस्क बना दिया है, अच्छा जी, डीआरए में, ठीक है, वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट डेस्क है जो कि विद इन वीक जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है उनको वो सारी उनकी जो प्रोसेसिंग है वो कम्प्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि 9% से लेके 15% तक बढ़ाई है अद्वियात में कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट तो 30% था मिनिमम, क्योंकि डॉलर जब गवर्नमेंट आई है तो डॉलर की प्राइस उस वक्त 110 रुपये 105-107 रुपये में था, आज डॉलर 140 पे चला गया। बिल्कुल, और इस इंडस्ट्री में ये वाहद इंडस्ट्री है जहाँ पे बिल्कुल 100% हम जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, आप जो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने आगे किया है, मुझे तो पिछले 7 महीने में या 5-6 जुलाई से ऑनवर्ड मुझे तो जो मेरी पास इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि डीप रैप वालों का जुल्म और सितम वैसे ही जारी है, नहीं, नहीं। उनके इंस्पेक्टरों का जुल्म और सितम वैसे ही जारी है, इंस्पेक्शन में लोगों को तंग करते हैं, अद्वियात की रजिस्ट्रेशन में लोगों को तंग करते हैं, और फिर जो अद्वियात की जो आपको मिलती है वो जो बाई वे ऑफ फार्मोलेशन मिलती है, और वो मल्टी नेशनल का भी वही है स्टैंडर्ड और लोकल का भी वही स्टैंडर्ड है, तो फिर मतलब प्राइसेस जो है लोकल की वो उससे बहुत कम है, और ये जो डी रैप की जो सुर्ख फीता है या जिस तरह वो लोगों को तंग करते हैं, उन्होंने तो यहाँ WHO बना लिया है, यानी कि छोटी कंपनियों के साथ वो सलूक करें कि वो मैन्युफैक्चरिंग बंद ही कर दें और छोड़ के चले जाए इस मुल्क को, मुझे तो ये लगता है। देखिए, इसमें ये चीज़ है कि मैं जिस तरह पहले अर्ज़ किया मैंने कि इस गवर्नमेंट में आके बड़ी चीज़ें हुई हैं जी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, तो वो आते ही नहीं हैं, उनको बुलाते हैं प्रोग्राम में, रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी अर्ज़ सुने, आमर कियानी साहब ने इंडस्ट्री को जब भी जरूरत पड़ी है उन्होंने मीटिंग दी है, जो हमारे इशू थे उन्होंने एट द स्पॉट वहीं पे उनका सलूशन दिया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है जी। और अभी जो आप बात फरमा रहे हैं ये अब इस दौर में नहीं है। और दूसरी बात आ गई प्राइसेस की जी। प्राइस का एक फार्मूला है हमारे पास कि जो ओरिजिनेटर होता है जी, जो पहला ब्रांड होता है उससे लेस 30%, ठीक है, प्राइस हमारी नेशनल की होगी, ठीक है। तो अभी उसमें यह है कि पिछले 3-4 साल से तो ये एक्सरसाइज हो रही है, इससे पिछले जो मालिक्यूल है जिसमें कोई कमी बेशी है इंशाल्लाह उस पर भी हम मीटिंग कर रहे हैं ट्रैप के साथ, और हमें जो अश्योरेंस दी गई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द
इसको रैशनलाइज कर दिया जाएगा और प्राइस जो ओरिजिनेटर की प्राइस है उससे लेस देन 30% प्राइस रखेंगे। मल्टीनेशनल ने कोई यहाँ R&D सेंटर बनाए हैं जो नहीं देखे यहाँ पे किसी का R&D सेंटर, मुझे तो कोई नॉलेज में नहीं है कि नहीं यहाँ पे बनाया हुआ यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चीज है कि मल्टीनेशनल जाहिर सी बात है वो जो हमारे मुल्क में काम कर रही है तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक बात है हमारे मुल्क। अच्छा मुझे बताएं कि अब मल्टीनेशनल जो दवाई बनाता है पाकिस्तान के अंदर और जो दूसरा पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर बनाता है क्या उसकी एफिकेसी में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जब उसकी एफिकेसी में फर्क नहीं है, जब उसकी एफिकेसी में फर्क नहीं है, उसकी डिलीवरी में फर्क नहीं है तो उसकी प्राइस में क्यों फर्क है? नहीं बस देखें ये हम ये पे एक पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये तो प्राइसिंग पॉलिसी है, ये तो डिस्करेज कर रहे हैं आप लोकल मार्केट को। मैं उस करूं एक प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर ये चीजें थी, अभी पॉलिसी भी चेंज हो रही है। SRO 471 को बहाल करवाएं, अभी सर इस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हमारा ये भी मसला हल हो जाए। अच्छा अब ये बताएं कि मल्टीनेशनल जो हैं ये बड़ी कंपनियां चलें ले लें, वो बाहर से जो सामान मंगाती हैं वो अपनी मर्जी से सामान मंगाती हैं, इनवाइस ज़्यादा करें कम करें, और कई तो ताजर ऐसे भी हैं जो कि चीज़ें बाहर से कम वैल्यू में लेके या बहुत ज़्यादा वैल्यू में एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि उन वो इसको ऐसे ज़ुमरे में आते हैं कि जो जिसके ऊपर आगे गवर्नमेंट बड़े सख्त कानून बना रही है, तो इसमें चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्या है? नहीं नहीं इस पर तो मैं समझता हूँ जिस तरह चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इसके अंदर मौजूद है किसी सेक्टर में नहीं जी। उसका यह है कि जब हम कोई चीज़ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बकायदा हम पहले उसके डॉक्यूमेंट देते हैं, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट जो ड्राइव की है वो पूरी करते हैं, इसके बाद बकायदा उसका जो सामान आता है उसकी इनवाइस आती है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है, ड्राइव जो है उसको रिलीज करने का ऑर्डर देती है, वो जब इनवाइस रिलीज करने का NOC देते हैं फिर उसके बाद हमारा रिलीज होता है मटीरियल। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा सर आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो फार्मा इंडस्ट्री है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री, बल्कि मैं तो ये इसको यहाँ तक मैं इसको क्रेडिट देता हूँ कि ये चूँकि सेहत से इसका तल्लक है और जैसे आपने कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरर की भी जो एफिकेसी है जो प्रोडक्ट की वो इक्वली गुड है, तो एक्सपोर्ट में अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और कई ऐसे ममालिक हैं जो हमारी अद्वियात को या सार कंट्रीज हैं लेना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे आपने भी फरमाया अभी कि ये एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो इसकी क्या वजह है और इसको एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए क्या आपने आपके साथ कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने तय किया, कोई डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस है आपके पास कि आप समझते हो कि अगले साल से हमारा ये काम बेहतर हो जाएगा? देखें जी इसके अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें आपकी वसातत से हम गवर्नमेंट के साथ भी ये इस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त देखें जी 5 सेक्टर वो हैं जो कि एक्सपोर्टिंग जोन के अंदर है जी, उसमें सबसे पहले टेक्सटाइल है जी, लेदर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, इसके बाद वो है कारपेट्स हैं ये सर। अब कारपेट से सर मैं थोड़ा सा मैं इस पर जी बात करूँ जी, देखिए टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 20 बिलियन की है जी, ठीक है, उसमें से 13.65 टेक्सटाइल चला गया, 13.65% टेक्सटाइल है, फिर 800 मिलियन है और उसके नीचे जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो 900 मिलियन बताएं ना फिर, ठीक है तो और इतना बड़ा गैप है। हम ये कहते आप 1 बिलियन 2 बिलियन तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, मैं करता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारा फार्मा सेक्टर अगर एक्सपोर्टिंग जोन में आप ले आते हैं जी, तो हम विद इन 2 ईयर्स अपनी जो एक्सपोर्ट है इस वक्त जो टोटल एक्सपोर्ट है 20 बिलियन है जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ फार्मा सेक्टर की 20 बिलियन होगी, होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। दूसरी बात यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का जिस तरह प्लान है कि 1 करोड़ लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 25 लाख लोग जो हैं वो इस सेक्टर के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है जी। और एम्प्लॉयमेंट वो है कि जो कि PhD लोग हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। हमारे पास जो पैकिंग गर्ल है वो भी मिनिमम उसने मैट्रिक एफ किया हुआ ठीक है, तो ये मतलब पढ़ा लिखा सेक्टर है जी। हम ये पूरी एश्योरेंस देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसको एक्सपोर्टिंग जोन में लेके आए, एक तो हम अपनी एक्सपोर्ट विद इन 2 ईयर्स 20 बिलियन करके दिखाएंगे, दूसरी बात
आज 25 लाख अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है तो हम 50 लाख दो सालों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे इस सेक्टर के अंदर। बड़ा ज़बरदस्त बात आपने की है जी, कि तो हम तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री को ये मौका दें कि ये 20 बिलियन की अगर आपको एक्सपोर्ट कर दें तो हमें बाहर के मुल्कों से जाके डॉलर लाने की या किसी की भीख मांगने की किसी मिनटें करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, अभी सी पैक भी आ रहा है, चाइना की भी इंडस्ट्री आ रही है, आप तैयार हैं? आप गियर अप हैं कि उनके मुकाबले में ये इंडस्ट्री लगाएंगे? और आपको क्या स्पेशल कोई जोन एलोकेट हुआ है कि वहाँ पे आप इसकी अद्वियात की फार्मा की इंडस्ट्री लगाएं? अभी तक तो कोई ऐसा जोन हमें एलोकेट नहीं जी, हुआ। ठीक है, और इसको एलोकेट करना चाहिए। स्पेशल है ना जी, आपका आपकी प्रोडक्ट ही स्पेशल है। फिर ये है कि चाइना के साथ हमारी जो इस वक्त ट्रेड है फार्मा की वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इम्पोर्ट है ना। 80% जो हमारी रॉ मटेरियल की ट्रेड हो रही है, जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं वो चाइना से, मशीनरी हम इससे जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है चाइना से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल चाइना से ले रहे हैं। तो चाइना की क्योंकि जो सीपैक है उसमें हमारा, क्योंकि चाइना के साथ आने वाले टाइम में जॉइंट वेंचर होने जाना है जी बिल्कुल, और उसमें फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं हमारी ये दरखास्त होगी कि हमें भी उस जोन के अंदर शामिल किया जाए। अच्छा, आपकी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। एसोसिएशन के तौर पे देखें, एक यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च फंड गवर्नमेंट ने कायम किया हुआ है, जो कि शायद 1% या कुछ टैक्स के फॉर्म में लेते हैं। तो क्या एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ ऐसी मुदाकरत करती है कि ये जो रिसर्च फंड है ये आप पाकिस्तान में जो मेडिसिन बन रही है उसकी R&D के लिए इस्तेमाल हो? जी बिल्कुल, इस पर पहले तो इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है जी, और अभी हमारी बातचीत चल रही है जी मिनिस्टर साहब से भी और बाकी जो रिलेटेड लोग हैं जी। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इसको भी बहुत जल्द इसको बेहतर सर्च में इंशाल्लाह यूज किया जाएगा। ठीक है, और हम अच्छी लेबोरेटरी के लिए, अब वो गवर्नमेंट ने वो भी इनिशिएटिव लिया है कि सरकारी तौर पे अच्छी लेबोरेटरियां बनाई जाएं। अभी तो आपकी दवाइयां सुने इंग्लैंड जाती हैं टेस्ट होने के लिए, आपको तो अपनी लेबोरेटरियों पे एतबार ही नहीं है? नहीं, वो पिछले दौर की बात है जी। जी नहीं, आजकल के दौर में दौर चेंज हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने ये इस पे थोड़ा सा ड्रामा किया था, अभी जो है ना ये ऐसा नहीं है। हमारे पास अपनी लेबोरेटरियां भी अच्छी हैं जी, और मैं समझता हूँ हमारे लोग भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि अभी तक हमारी जो ये जो बड़ी खबरें आती है ना जी पाकिस्तान की दवाइयों में ये प्रॉब्लम, हमारी दवाइयां अभी भी less than 1% जी सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ तक इतना क्वालिटी का ख्याल किया जाता है। इंस्पेक्टरों से पूछे तो वो तो कहते सब कभी कहीं से सैंपल उठाया होता है, ये ऐसे ये जी बातें हैं बहुत। अभी तक जो हमारे पास डाटा है, ये तो मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ कि less than 1% हमारी जो है ना वो सब। अच्छा सर, ये बताएं ये जो डी रैप का जो MD है या चेयरमैन है जो भी होता है, इसका जो मतलब वो कभी जिंदा हो जाता है कभी मर जाता है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, तो बहुत तरक्की कर ली है मेडिसिन ने इस दौर में कि चेयरमैन को भी कभी जिंदा कर देते हैं कभी उसको मार देते हैं। ये अरबों रुपये की ट्रांजेक्शन, अरबों डॉलर की ट्रांजेक्शन हुई है इसमें इनके दौर में बाहर के मुल्कों के साथ और इधर और उधर, तो गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर तहकती कमीशन बनाया? आप तो PTI से हैं, मिनिस्टर भी की मर्जी के बगैर मिनिस्टर की नाक के नीचे तो ऐसे ऐसा MD हुई? मेरा ख्याल है ये भी मिसकंसेप्शन है, ऐसी बात नहीं है जी। और जो भी आप फरमा रहे हैं ये भी ऐसे ही मेरा ख्याल है, कोई नहीं कोई नहीं होने मुद्दा होने का सर्टिफिकेट नहीं किया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं इस पे डिग्री उनके पास सुना है, मैंने भी कल एक TV प्रोग्राम सुना था, बहुत फेमस एंकर बात कर रहे हैं कि डिग्री भी जाली है। देखें जी, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, ना मेरे पास नॉलेज है ये, क्योंकि अखबारों में नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ, अभी क्लिप सुना देता हूँ, आपको मेरे पास मौजूद है उनका स्पेसिफिक उनका। नहीं नहीं सर, ये मुल्क के कौम का मसला है, ये मुल्क कौम का मसला है। यहाँ पे आप कोई बंदा अगर वो स्पेसिफिक एजुकेशन का नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी में चांसलर नहीं लग सकता, वाइस चांसलर नहीं लग सकता, वो किसी सरबरा वो हेड नहीं कर सकता, एक प्रीरिक्विजिट है ना उस चीज़ के सर। नहीं, मेरा जो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनकी जो डिग्री उन्होंने ली थी वो 2002 में या 2003 में ली थी जी, जबकि HEC फॉर्म हुई है 2007-08 में जी। तो HEC के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी तक लिस्टेड नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये चीज मैं नहीं समझता। अच्छा, ये जो ये तो जिंदा मुर्दा होने वाली बात है, ये भी कहानी है, ये तो मैंने कल ही सुन रहा था TV पे सर। ये तो खुद कह दिया उन्होंने कि ये गलती से सारा हुआ था। क्या गलती? मैं गलती से मर गया था, जिंदा हो गया, उसकी बात नहीं है। अच्छा, जिन्होंने तहकीकात की है ना, जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो डॉक्यूमेंट आया बकायदा सर। देखिए, मैं जितना मैं जानता हूँ जी सर, मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा। चलिए, आप जाके मिनिस्टर साहब से ये तो कह सकते हैं ना कि सर अगर कोई ऐसी बात है तो कोई ऐसा बंदा लगाएं। देखिए, हमारा और आपका यहाँ बैठ के मकसद ये है कि इस मुल्क में कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से काम करे, और फार्मा इंडस्ट्री चूँकि सबसे हाईटेक
टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड और इसके ऊपर जितने रेगुलेशन है शायद पाकिस्तान में या दुनिया में किसी और इंडस्ट्री के ऊपर इतना नहीं है, है। तो आप कम अज कम मिनिस्टर साहब को जाके ये तो कह सकते हैं कि जी आप बरए मेहरबानी इस जो डी रेप है इसको देखें और यहाँ पे ऐसे सरबराह को लगाएं जो कि इस फील्ड का हो और जो बिजनेस को भी समझता हो। मिनिस्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि ये पहले ऐसे मिनिस्टर आए हैं जी जिन्होंने सबसे ज्यादा जी ड्रैप को जी इन्होंने फोकस किया और उसकी बेहतरी के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है। और मैं जहाँ तक दूसरी बात हम इसमें मिनिस्टर साहब के साथ हम मिलते भी हैं जी उनके साथ शेयर भी करते हैं और वो इस पे खुद भी इसकी बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश हैं। ठीक है। आज ऐसे साहब मुझे ये बताइएगा कि चलिए हम बात करते हैं कि आप हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के भी सरबराह हैं पाकिस्तान में और हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंटों में जैसे पुलिस के लोग हैं जैसे जेल में हैं जैसे और महकमे के लोग हैं जिनको वक्त पर सही खाना नहीं मिलता जो ट्रेवल करते रहते हैं जिनको जो जहाँ मिलता है वो देते हैं और इस बीमारी को दूर करने के लिए एक तो पहले दवाई बड़ी महंगी होती थी कोई 40-50 रुपए की वो सवाल्डी टाइप के मेडिसिन मिलती थी तो अब तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो इस प्रोग्राम में चूंकि आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है तो आप बताएं क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में और आइंदा आने वाले वक्त में आप हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुल्क कौम के लिए क्या खिदमत देना चाहते हैं। देखें जी ये मैं समझता हूँ इस वक्त तो हमारे मुल्क में हमारी पॉपुलेशन में इसका बहुत बड़ा इस वक्त जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन जी पहली बात यह है कि मैं जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का कंट्री हेड हूँ मैं अपनी सर्वर फाउंडेशन की तरफ से हूँ जो गवर्नर पंजाब की है। अच्छा जी। और इसमें हम एक एनजीओ के तौर पे इसको ना हम लेके चल रहे हैं और इसको प्राइवेटली हम देख ठीक रहे हैं। अच्छा इसमें ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ पे हेपेटाइटिस की सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है। और हेपेटाइटिस सी सबसे ज्यादा पाया जाता है पहले नंबर पे मिस्र है दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक है। और अभी तक हमारे पास जो डाटा था गवर्नमेंट के पास वो तकरीबन 7-8% पॉपुलेशन का हेपेटाइटिस सी में लोगों को डिजीज थी। ठीक है। लेकिन अभी आपको भी हैरत होगी कि अभी हमने जो काम किया इसके अंदर तो हमें जो हेपेटाइटिस की ग्रोथ मिली है या हेपेटाइटिस की जो हमें डिजीज मिली है माशरे में वो 15-20% है। अच्छा जी ठीक है। मैं समझता हूँ ये बहुत हाई रिस्क लेवल पे हाई रिस्क लेवल पे और इसमें अनफॉर्चुनेटली ना किसी गवर्नमेंट ने काम किया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होता था हेपेटाइटिस का उसको भी नून लीग ने खत्म कर दिया और सूबों में भिजवा दिया सूबों ने स्वाय केपी ने किसी ने इस पे काम नहीं किया। ठीक है। और आज मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी गवर्नर साहब को मैं समझता हूं कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब को उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल। और एक तो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए वो काम कर रहे हैं और दूसरा हेपेटाइटिस पे हेपेटाइटिस की जहां तक बात हम जहां कर रहे हैं वो जी इसमें ये कर रहे हैं देखें ये बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है और इसका टेस्ट भी आप इसको बेहतर तरीके से सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हम नहीं हम इसको ये कर रहे हैं कि जितना भी मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सके वो कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस।